दुश्मन देश पाकिस्तान की धरती से विंग कमांडर अभिनंदन जिस बहादुरी से बचकर वतन वापसी की है, पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। पर इससे भी बड़ी बहादुरी 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के दौरान जीवा सिंह ने दिखाई थी। वह पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान का ही जंगी जहाज उड़ाकर भारत ले आए थे। यह योद्धा 1971 की लड़ाई में शहीद हुआ था। पर दुख इस बात का है कि इस महान नायक की शहीदी के बद बराबर यादगार बनाने में समय की सरकारें असफल रही हैं। गौर हो कि कुराली रूपनगर मार्ग पर गांव भागोमाजरा की धरती पर जन्मे इस बहादुर जीवा सिंह ने एयरफोर्स की नौकरी करते 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में हिस्सा लिया था। जीवा सिंह के जहाज को नीचे उतारा था पाकिस्तान फौज ने। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान जीवा सिंह के जहाज को निशाना बनाकर पाकिस्तान फौज ने नीचे गिरा लिया। पाकिस्तान में जहाज गिरने के बाद भी जीवा सिंह ने हौसला नहीं छोड़ा, बल्कि पैराशूट के सहारे बच निकलने में सफल रहा। इसी दौरान जीवा सिंह ने बहादुरी की मिसाल पैदा करते हुए सरगोधा में खड़ा पाकिस्तानी फौज का जहाज उड़ा लिया। जब तक पाकिस्तान फौज को इसकी खबर हुई, तब तक वे उड़ान भरकर जोधपुर आ पहुंचा। दुश्मन के जहाज काए उड़ाकर देश में वापस आने की सबसे बड़ी बहादुरी दिखाने वाले जीवा सिंह को इस बहादुरी के लिए वीर चक्र के साथ सम्मानित किया। इस बहादुरी के बाद जीवा सिंह पाकिस्तान के साथ हुई 1971 की जंग में भी बहादुरी के साथ भाग लिया और शहीद हो गए। इस जंग में शहीद होने के कारण ही जीवा सिंह को एक बार फिर मरणोपरांत वीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। महान शहीद जीवा सिंह की याद में करवाए गए एक समागम में पहुंचे तत्काल मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने गांव में 40 बिस्तरों के अस्पताल और गांव की फिरनी शहीद के नाम को समर्पित करने की घोषणा की। इसी दौरान गांव में शहीद जीवा सिंह के नाम पर जजा बच्चा केंद्र भी स्थापित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त तत्काल डिप्टी कमिश्नर डीएस बैंस ने शहीद कबूतर मोहाली या रोपड़ में लगाने तथा उनकी यादगार स्थापित करने की घोषणा की थी। शहीद की याद में की घोषणाएं को पूरा करने में प्रति अब तक की सरकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई है। कुछ वर्ष चलाने के बाद सरकार ने गांव से जचा बच्चा केंद्र भी छीन लिया। गांव वासियों ने अपनी कोशिशों के बूते इस महान शहीद की याद में खेल स्टेडियम बनाने की कोशिश की, पर सरकार की बेरुखी के चलते स्टेडियम की बात गेट से आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले राष्ट्रीय मार्ग पर गांव के शहीद जीवा सिंह और गांव के ही शहीद जेसीओ अवतार सिंह दोनों की याद में गेट स्थापित किया, जो अब खस्ता हालत में है। गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि इस गांव के शहीद सैनिक जीवा सिंह और शहीद अवतार सिंह की यादगारें स्थापित की जाएं।